नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समक्ष सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मंत्री परिषद। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आप थ्री डॉट के निशान पर क्लिक करके क्वालिटी को 360p या 480p पे आसानी से साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। थर्ड क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी, संसद का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हाँ। हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। छठवा क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सातवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? सातवें क्वेश्चन में चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 6 माह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आठवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री जो हैं मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। नौवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या आपको बतानी है। चार ऑप्शन पढ़ने हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। दसवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 3 प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। 11वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता, बाकी तीनों जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? तो आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं और बताना है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, तो सबसे बड़ी वरीयता जो है कैबिनेट मंत्री को, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री को मिलती है। 13वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी
होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 6 माह तक। 16वां क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए, 6 मास बाद। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 75, जो कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। 18वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मंत्रिपरिषद। 19वां क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है बी, लोकसभा के प्रति। 20वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय। 21वां क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर जो सदस्य लिए जाते हैं, चार ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और बताना है कि निम्न में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है लोकसभा से। 22वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में राज्य की क्या स्थिति है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 26वां क्वेश्चन है, यथार्थ मंत्रिपरिषद कब तक पद पर बना रहेगा? जबकि जब तक कि उसे खालिस्तान का विश्वास प्राप्त हो। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान में क्या भरना होगा। करेक्ट ऑप्शन है डी, लोकसभा। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। 27वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बजट तैयार करके उसे संसद में पेश करना। 28वां क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है?
चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हाँ। उनतीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, किसी मंत्री के पद त्याग से। तीसवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति। इकतीसवां क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। 32वां क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर देने वाला सत्र, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों जवाब मिल जाएं, प्रश्न का उत्तर मिल जाए और प्रश्न भी पूछा जाए, उस सत्र को कहा जाता है शून्यकाल। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हाँ नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं समाप्त हो चुके हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलरली इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।